हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करेंगे दिव्यांग स्कूटी योजना को लेकर। जो बड़ी अपडेट आ रही है सरकार की, एक और बड़ी घोषणा जो है दिव्यांगों के लिए कर दी गई है। चलिए बात करते हैं क्या पूरी अपडेट आ रही है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि सरकार से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। आपको बता दें कि दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए जो है सरकार ने अब 54.33 करोड़ रुपए के वित्त प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, उन्होंने 54.33 करोड़ रुपए की जो है वित्त प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 6,250 दिव्यांगजनों को जो है स्कूटी देगी, यानी 6,000 से ज्यादा दिव्यांगों को सरकार इस बार स्कूटी देने वाली है। 6,250 दिव्यांगजन को जो स्कूटी मिलने वाली है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि दिव्यांगजन को आवागमन को आसान बनाने के लिए सरकार ने जो है 54.33 करोड़ के जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है राजस्थान सरकार के लिए, ताकि दिव्यांगजन को ज्यादा स्कूटी मिल पाए। पहले सरकार जो है 5,000 स्कूटी वितरित कर रही थी, लेकिन इस बार जो है 6,250 जो है स्कूटी सरकार वितरित करने वाली है। आपको बता दें कि दिव्यांग स्कूटी योजना को लेकर आपको आवेदन कैसे करना है, जो जो इसमें प्रमाण पत्र बनते हैं उनकी सभी डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार उनको जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने आवेदन नहीं करा तो उन वीडियोस के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। एसएसओ आईडी से कैसे आवेदन करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियोस में दे रखी है, तो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यही अपडेट थी कि सरकार ने 54.33 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी गई है और 6,250 इस बार दिव्यांगजनों को सरकार स्कूटी देने वाली है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।